एक लाइन। देखिए 8/4/2021 का जो आदेश था वह एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करना था सर्वे के लिए, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का भी व्यक्ति होता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता। इन सब लोगों को एएसआई सर्वे करना था। पूर्व में जो सर्वे किया था वह केवल एएसआई ने किया है। तो इस तरह से उस आदेश का कंप्लायंस करके नहीं किया गया था, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने कंफर्म किया है। तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधितः विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है और इसे हम चैलेंज करें बस तुरंत। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को अब आगे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति लगातार बनी हुई है। प्रीति, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए क्योंकि बीच में मैंने आपको टोका था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ कोर्ट परिसर में, वो विस्तार से हमें बताएंगे क्योंकि ये लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर। हालांकि जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई थी, उसी आधार पर किया गया। ये बताइए क्या हुआ। ठीक है, वापस आते हैं और ये आदेश की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं। एएसआई सर्वे की मांग खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो तथ्य, जो सबूत रखे गए हिंदू पक्ष की तरफ से, उसे कोर्ट ने नकार दिया है। एक झटके के तौर पर भी इस फैसले को माना जा रहा है। ये आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं। लंबी बहस चली, जिरह हुई, इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। 1991 में ये वाद दायर हुआ था और तब से ही लगातार अपनी अपनी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही थी। आज वाराणसी कोर्ट का ये फैसला सामने आ चुका है, जहां जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई थी उन्हें ज्यादा मजबूती से देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। एएसआई सर्वे की जो मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उसे खारिज कर दिया गया है। मस्जिद के आसपास के एरिया में और इसके अलावा जो मुख्य गुंबद था उसके नीचे खुदाई की मांग भी की गई थी, इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यह आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं। हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनका कहना है कि क्योंकि ऑलरेडी मामला पेंडिंग है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इस फैसले को लेकर भी हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कदम होगा जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट में रिवीजन होगा। रिवीजन होने के बाद इस ऑर्डर के खिलाफ, सिविल कोर्ट एफटीसी के ऑर्डर के खिलाफ हम वहाँ अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे। 31 साल का लंबा इंतजार, कहीं ना कहीं लग रहा था कि फैसला पक्ष में आएगा और जब इस तरीके से चीजें होती है तो कहीं ना कहीं। ठीक है प्रीति, वापस आएंगे आपके पास। और राजू दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। राजू दास जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एएसआई सर्वे की मांग को खारिज कर दिया कोर्ट ने। देखिए, इसकी हम चिंता नहीं करते हैं और हम मुकदमा लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय ना मिल जाए। क्योंकि ज्ञान बापी में प्रत्यक्ष किम परमानम, वहां तो अंधा भी व्यक्ति देखेगा कहेगा कहा ये मंदिर है। तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाकी हम जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग मुकदमा लड़ते रहेंगे और न्याय मिलेगा हमको और हम जीतेंगे, बाबा को मंदिर का निर्माण करेंगे। नहीं तो फिर एक धक्का और दो, ज्ञान बापी का ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ दो और फिर मंदिर का निर्माण करेंगे, ठीक है, चोट पे जाते हैं। राजू दास जी, आपको नहीं लगता कि जो तथ्य हिंदू पक्ष की तरफ से रखे गए वो थोड़ी कमजोर दिखे कोर्ट को? और क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो बार बार यही कह रहा था कि अगर आप बेवजह इस मामले को लंबा खींच रहे हैं, अगर आप मस्जिद के आसपास के एरिया में खुदाई करते हैं तो उससे नुकसान पहुंच सकता है, उनके तथ्यों को तो ज्यादा मजबूती से माना गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुदाई, अच्छा ये बताइए, राम जन्मभूमि में खुदाई हुई कि नहीं खुदाई हुई? यहाँ खोदने की जरूरत भी नहीं है, उसने कहा कोई गलत नहीं कहा है, वहां तो देखकर ही बता दिया जाएगा कि ये मंदिर है। अगर आपके कैमरामैन चाहे आप चले जाओ और जाने के बाद ज्ञान बापी को आप देखो, तो अगर मस्जिद में त्रिशूल हो, शंख हो, चक्र हो, गदा हो, पुष्प कमल हो, तब तो ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी हमारे से जुड़ने के लिए।